हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडो इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी को पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सो हमने क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, जिसमें आज जो है उस लेक्चर की सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। और आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में, एंड द सेकंड थिंग दैट वी विल टॉक इन टुडेज लेक्चर इज अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो Let us just start with today's video without wasting any time. So, आप सभी को पता है हमने पिछले लेक्चर में रेट ऑफ द लॉ के बारे में बात किया था, यानी हमने डिस्कस किया था कि रेट लॉ जो है वो ये कहता है कि रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर सम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट मे बी इक्वल टू द वैल्यूज दैट यू हैव इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दे मे नॉट बी। यानी कि कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स है ऐसे जो हमारे रेट लॉ के अंदर प्रेजेंट है जो हमारे बैलेंस्ड इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास N2 प्लस H2 से NH3 एक गैस बन रही है जिसमें यहाँ पे 2 मोल और यहाँ पे 3 मोल। अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं तो रेट हो जाएगा N2 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H2 की कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें N2 क्या कोई एक्सपोनेंट होगा और H2 का कोई एक्सपोनेंट होगा X और Y। सो ये जो X और Y है ये हो भी सकते हैं इक्वल हमारे रिस्पेक्टिवली 1 के और 2 के बराबर। यानी अगर मैं लिखूं X 1 हो भी सकता है और नहीं भी, सिमिलरली Y जो है वो 3 हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, मे और मे नॉट भी। बट अगर हम सपोज करिए ऐसे कहते हैं कि रेट जो है दैट इज इक्वल टू N2 raised to the power 1, H2 raised to the power 3, ये आपको rate law given, अगर ये आपको mentioned है that this is the rate law or the rate of the equation for this particular reaction, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि N2 की concentration अगर बढ़ेगी तो rate जो है वो भी बढ़ेगा by an order of 1, वहीं पे अगर H2 की concentration बढ़ेगी तो rate of the reaction जो है वो 3 times बढ़ जाएगा original से, यानी कि the order of reaction with respective to N2 is 1. वहीं पे अगर हम order of the reaction with respect to H2 बात करते हैं that is equal to 3. यानी अगर आपको rate law की equation में कोई exponents given होते हैं तो वो exponents कहलाते हैं order of the reaction। और अगर मैं उस particular reaction के overall order की बात करती हूँ so that is equal to 3 plus 1 that is equal to 4। यानी जो रिएक्शन है हमारे पास N2 plus 3 H2 से 2NH3 बनना, ये फॉलो करता है हमारे पास 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो इसका 4 आता है अगर इसके पास ये पर्टिकुलर रेट लॉ की इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। यानी मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रेट लॉ इज कॉल्ड एज ऑर्डर। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो आपके पास जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम इसी इक्वेशन को देखते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी इस तरीके से भी बैलेंस हो सकती है N2 प्लस जो हमने 3H2 लिखा है उसमें सपोज करिए कि आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से गिवन होती 1/2 और यहाँ पे होता है आपके पास 3/2 और इस रिएक्शन के लिए रेट लिखा होता के N2 रेस्ट टू द पावर 1/2 एंड H2 रेस्ट टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या मतलब होता, यहाँ पे ये मतलब होता कि रेट विद रिस्पेक्टिव टू N2 इज इक्वल टू 1/2 एंड विद रिस्पेक्टिव टू H2 इज इक्वल टू 3/2। वहीं अगर ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 और वो आपको मिलता है 4 plus 4/2 दैट इज इक्वल टू अगेन 2। तो पॉइंट ये था कि चाहे कोई भी टाइप का एक्सपोनेंट हो, फ्रैक्शन हो, चाहे वो आपके पास पॉजिटिव होल नंबर हो और इनफैक्ट वो 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा है रेट इक्वल्स टू N2 रेस्ट टू द पावर 0 H2 रेस्ट टू द पावर 2। तो रेट जो है ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल ऑर्डर, सो वो जो ओवरऑल ऑर्डर है वो आपको मिल जाएगा अगेन 0 plus 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और आपके पास कोई होल नंबर भी हो सकता है। तो ऑर्डर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो हमारे रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव और दैट मे बी आल्सो बी 0। ये जो पॉइंट है ये समझना बहुत जरूरी है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। अब जब 0 ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है, जैसे इस केस में आया, यानी कि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2।
N2 की कॉन्सेंट्रेशन पे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करता. ये रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो ऑर्डर के केस में. ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन है वो क्या कहती है. ठीक है, सो मॉलिक्यूलैरिटी एक ऐसा वर्ड है जो एक फेमिलियर वर्ड से मिलता जुलता है, और वो फेमिलियर वर्ड है हमारे पास मॉलिक्यूल्स, है ना. हम सभी ने एक वर्ड जो इससे मिलता जुलता सुना है, दैट इज द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स माने की मोल्स, माने की एटम्स, है ना. अगर हम H2O, CO2, CH4 इन सब की बात करते हैं तो ये सब जो है हमारे पास दे आर दी मॉलिक्यूल्स. वहीं अगर मैं कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन इनकी बात करती हूँ तो दे आर रिस्पेक्टिवली दी एटम्स. सो मॉलिक्यूलरिटी है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी हम सेम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, हमने लिखा N2+3H2 विल गिव मी NH3, दैट इज 2 मोल. तो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है वो क्या कहती है कि 1 मोल N2 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल N2, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है N2 का. वहीं पे हम H2 के लिए क्या लिख सकते हैं, दैट वी हैव 3 मोल ऑफ H2 जो कि कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल ऑफ NH3. यानी मॉलिक्यूलैरिटी, या फिर हम इसको कहें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे क्लियर कट मिल रही है अपनी रिएक्शन से, और इस इन्फॉर्मेशन में श्योरिटी भी है, है ना. जैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में क्या था कि हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं एक इक्वेशन के रेट लॉ के लिए. लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ये कहती है कि आपके पास जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज है, यानी कि 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ, तो 2 मोल NH3 बन रहा है. तो जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. नाउ व्हाई आई एम राइटिंग स्पीशीज, क्योंकि आपके पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं. किसी भी रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले जो स्पीशीज होते हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं एक रिएक्शन को खत्म कराने के लिए, विच कोलाइड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलैरिटी. ठीक है, सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच कोलाइड अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलैरिटी. ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा एक इक्वेशन से क्लियरली दिख जाएगी. जैसे कि आपको दिख रहा है कि 1 मोल N2 है और 3 मोल आपके पास H2 है, सो ये आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि इतने ही होंगे, तभी जाके 2 मोल जो है वो आपको मिलकर आ जाएगा. जैसे कि हम एक रिएक्शन एक और लिख के देखते हैं, विच इज फॉर दी अमोनियम नाइट्रेट. ठीक है, ये एक रिएक्शन है. अगर ये डिकम्पोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो ये क्या फॉर्म करेगा हमारे पास, ये फॉर्म करेगा N2O और 2H2, N2O प्लस 2H2O. ठीक है, इक्वेशन जो है हमारे पास ये क्लियरली बैलेंस भी हमें दिख रही है. अब पॉइंट क्या है यहाँ पे समझना कि यहाँ पे जो हमने रिएक्टेंट लिया ये क्या है, 1 मोल का ही है. यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है वही हमारे पास रिएक्शन को करा रहा है. तो यानी कि इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या हो गई है, वो हो गई है हमारे पास 1. और जब मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है तो उन्हीं रिएक्शंस को हम डिफाइन करते हैं एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन का हमारे पास काम. ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से दूसरे रिएक्शन की तरफ देखते हैं. दूसरा रिएक्शन हम ले सकते हैं अपना ऑफ H2+, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ HCl का. दोनों कंबाइन करेंगे तो मिलके बना देंगे 2 मोल HCl. अगेन हमें क्या दिख रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है 1 मोल H2 है, साथ में हमारे पास है 1 मोल Cl2. यानी टोटल रिएक्टेंट्स कितने हैं, 1+1 दैट इज इक्वल टू 2. यानी 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू फॉर्म HCl. यानी कि इस ऑल ओवर रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो हमें क्या मिल गई, वो हमें मिल गई इक्वल्स टू 2. और जब मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास 2 आ जाएगी तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी जिनमें काम है 2 मॉलिक्यूल्स का. जैसे एक मॉलिक्यूल था हमारे पास N2 का और दूसरा मॉलिक्यूल था हमारे पास H2 का. वही हम देख सकते हैं हमारे पास एक और एग्जाम्पल जिसमें हम SO2 और O2 को कंबाइन कर रहे हैं. थर्ड केस इज फॉर दी SO2+O2 एंड इट इज गेटिंग कंबाइंड एंड फॉर्मिंग अस SO3. यहाँ पे इसके 2 मोल हो जाएंगे तो यहाँ पर 2, 4, 6. ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है. बैलेंस इक्वेशन में दिख रहा है 2 मोल SO2 है, 1 मोल O2 है. ठीक है, यानी
1 plus 2 that is equal to 3. 3 is the molecularity of the reaction, and reaction with molecularity 3 are termed as ternary, yeah, for termolecular reaction. Ter refers to 3. ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलरिटी के रिएक्शंस के लिए. ठीक है, चलिए अब एक और चीज हम समझते हैं, वो है इन दोनों ही रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस, यानी इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमने डिस्कस किए. फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाइल द अनदर इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन ओवर हियर वन मोर पॉइंट इज दैट, कि यहाँ पे आपने क्लियरली देखा कि आपके पास जितनी भी मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग आ रहे हैं वो हमेशा एक होल नंबर आ रहे हैं. वन जो इस केस में आया हमारे पास, देन अगेन वन, इधर हमारे पास भी वन था, इधर हमारे पास टू है, वन है, यानी पॉली नंबर तो हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक होल नंबर आएंगे. यानी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हमेशा किसी भी रिएक्शन की क्या आएगी, ऑलवेज अ होल नंबर. ऐसा नहीं होगा कि आपके पास मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, विच इज डेफिनेटली अ जेन्युइन पॉइंट, बिकॉज कभी भी आपके जो मोल्स रिएक्टिंग होंगे वो कभी भी फ्रैक्शंस में तो नहीं हो सकते हम. ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं ना वो होल नंबर होंगे, और ऑब्वियसली जीरो तो ही नहीं, क्योंकि अगर जीरो हो भी रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिएक्शन जो है वो परफॉर्म ही नहीं. ठीक है, अब लेट अस जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द टॉपिक्स. वन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, while the another is the molecularity of the reaction. क्योंकि ये आपके question में पूछा जा सकता है in any type of MCQ कि दोनों में क्या difference है, या फिर आपको statement question बन सकता है इस topic से related. ठीक है, so सबसे पहला difference जो हमने देखा वो दोनों की definition का लिख लेते हैं हम लोग. Order of the reaction क्या कहता है, it is basically sum of exponents expressed in rate law. रेट लॉ में जो भी कोई एक्सपोनेंट है उन सब का सम जो है दैट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. वहीं पे अगर हम इसकी बात करें, सो मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लाइडिंग टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, यानी एक केमिकल चेंज को या एक केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो भी कोई मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं दैट इज डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट इज डेफिनेटली कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो. जीरो जो है वो समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, कि जीरो जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है ऑर्डर के केस में. वहीं अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो हमेशा एक होल नंबर में ही एग्जिस्ट करेंगे, वो कभी भी फ्रैक्शन तो हो भी नहीं सकते. ठीक है, थर्ड पॉइंट, अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है हमारे पास ये थ्योरेटिकली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सॉरी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो आपको पहले एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि आपको एक रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चलते हैं वापस से, कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, एन टू प्लस थ्री एच टू से दो एन एच थ्री के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो हमने पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट किया, यानी पहले अमोनिया को फॉर्म किया, फिर अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो किस किस चीजों पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इन सारी चीजों को चेंज करने के बाद हमने ये देखा कि ऑर्डर जो है वो क्या है, यानी हमने इसके लिए एक रेट लॉ बनाया, तब जाके हम ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते, यानी पहले एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद ऑर्डर को डिटरमाइन करा. वहीं पे अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो मॉलिक्यूलरिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि कितना मैंने अपना रिएक्टेंट जो है वो यूज किया इनिशियली. तो अगर एच टू प्लस सी एल टू की बात करेंगे तो भी हमें जो इनिशियल अमाउंट हमने रिएक्टेंट का यूज किया वो हमें पता है. अगर वो पता है यानी कि मुझे मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्लियरली पता है, यानी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल फिनोमेना. It is theoretically determined. Theoretically का मतलब है जो already known चीज है, जो reaction को start करने से पहले ही आपको पता है कि आपने कितना reactant जो है वो अपने reaction में use करने के लिए लगाया है. जबकि order क्या है कि पहले reaction खत्म हो गया, उस reaction के लिए आपने rate law लिखा, उस rate law के exponents का sum निकाला, तब जाके आपको order of the reaction जो है वो मिल गया. ठीक है, यही
हमारे पास मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एज वेल एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, सो क्विकली जस्ट आप देख सकते हैं, मेजरली हमें पीछे देखने की जरूरत भी नहीं पिछली वाली स्लाइड पे, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है वो उस पूरी स्लाइड पे इजिली हमें दिख रहा है. ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत स्कोरिंग कॉन्सेप्ट भी है. ठीक है, सो आई होप आप सभी को आज की ये वीडियो का पॉइंट और ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया हो. बाकी अगर स्टूडेंट कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. हम कमेंट सेक्शन में आपके क्वेरीज को डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स.